नागरिकता संशोधन कानून और एनआरसी के खिलाफ लगातार दूसरे शुक्रवार को दोपहर की नमाज के बाद दिल्ली में जामा मस्जिद के बाहर सीलमपुर, जोरबाग और जफराबाद में प्रदर्शन हुए। इसमें भीम आर्मी के कार्यकर्ता भी शामिल हुए। हजारों लोगों ने सरकार के खिलाफ नारे लगाए। हालांकि इसमें हिंसा नहीं हुई। हिंसा की आशंका को देखते हुए उत्तर प्रदेश और दिल्ली में पुलिस मुस्तैद थी। हर मस्जिद के बाहर 10-10 वॉलंटियर तैनात किए गए। सीएए के विरोध में एक बार फिर दिल्ली की जामा मस्जिद के बाहर विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया है। सैकड़ों की संख्या में दोपहर की नमाज अदा करने के बाद जामा मस्जिद के बाहर सीएए के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। वहीं दिल्ली के जोरबाग इलाके में भी सीएए के खिलाफ विरोधी मार्च निकाला गया और यह मार्च प्रधानमंत्री के आवास तक जाएगा। वहीं जामा मस्जिद के बाहर शांतिपूर्ण होगा प्रदर्शन। पूर्व विधायक शोएब इकलाब का कहना है कि जामा मस्जिद पर सीएए और एनआरसी के खिलाफ शांतिपूर्ण ढंग से प्रदर्शन होगा और समय रहते प्रदर्शन खत्म भी हो जाएगा। उन्होंने कहा कि पिछले शुक्रवार को दोपहर की नमाज के बाद हिंसक प्रदर्शन हुआ था, जिसके बाद शांतिपूर्ण प्रदर्शन का फैसला लिया गया है, जिसमें भीम आर्मी के कार्यकर्ता भी शामिल हुए। हजारों की संख्या में लोगों ने सरकार के खिलाफ नारे लगाए। हालांकि इसमें हिंसा नहीं हुई। हिंसा की आशंका को देखते हुए उत्तर प्रदेश और दिल्ली में पुलिस मुस्तैद थी। हर मस्जिद के बाहर 10-10 वॉलंटियर तैनात किए गए। वहीं उत्तर प्रदेश में पिछले शुक्रवार को हुई हिंसा के बाद लखनऊ, संभल, गाजियाबाद, मेरठ, कानपुर, बुलंदशहर, सहारनपुर, फिरोजाबाद और मथुरा समेत 21 जिलों में मोबाइल इंटरनेट बंद कर दिया गया। पिछले शुक्रवार को उत्तर प्रदेश में 22 जिलों में प्रदर्शन के दौरान हुई हिंसा में 22 लोगों की मौत हो गई थी। यूपी के डीजीपी ओपी सिंह ने कहा कि कानून और व्यवस्था की स्थिति पूरी तरह से नियंत्रण में है। शुक्रवार को 21 जिलों में इंटरनेट सेवा बंद कर दी गई है। की नमाज के मद्देनज़र यहाँ पर व्यापक मात्रा में पुलिस बल जो है तैनात कर रखा है और लगभग 15 कंपनियां हैं जो पैरामिलिट्री फोर्सेस की हैं वो इलाके में तैनात हैं। इसके साथ ही जिला पुलिस बल के जो सभी ऑफिसर्स हैं और स्टाफ है वो संवेदनशील क्षेत्रों में डिप्लॉयड है। हम लगातार फ्लैग मार्च कर रहे हैं और लोगों से संवाद स्थापित कर रहे हैं। अमन कमेटी के लोग और स्थानीय निवासी जो हैं हमारे साथ हैं, वो भी हमारे साथ इस बात की अपील कर रहे हैं कि यहाँ पर जो अमन और शांति है उसको बनाए रखें। सर, फ्लैग मार्च कहाँ से कहाँ तक होगा? ये सभी इन क्षेत्रों में सीलमपुर, जाफराबाद, मुस्तफाबाद, वेलकम, इन सभी क्षेत्रों में हमारा जो है फ्लैग मार्च जारी है। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World class catering, centrally air conditioned, lush green lawns, state of the art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise. ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।